Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper and today's topic for upcoming mains is BRICS. तो कल हमने क्वाड देख लिया आज ब्रिक्स देख लिया तो इस तरीके से इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग्स हैं उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं सो दिस टॉपिक ऑफ़ कोर्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जी एस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन्स पॉइंट ऑफ व्यू तो चूंकि मेन्स पर्स्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड में जा करके देखते हैं डिटेल में देखते हैं देखिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद द वर्ल्ड इकोनॉमी गॉट डिवास्टिटेड क्योंकि उस टाइम तक द सेंटर और कोर ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी वॉज यूरोप और दो फ्रीक्वेंट वर्ल्ड वॉर लड़े गए यूरोप में जिस कारण से यूरोप की इकोनॉमी डिवास्टेट हो गई एंड दैट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एंटायर ग्लोबल इकॉनॉमी तो ग्लोबल इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए देर वॉज नीड ऑफ सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट वुड बी ग्लोबल इन नेचर और इस कारण से फिर बुलाया गया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन यू एस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद दो इंस्टीट्यूट बनाए गए आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक विच टूगेदर आर नोन एज ब्रिटेन वुड ट्विन्स तो आई एम एफ आर वर्ल्ड बैंक मेनली बनाया गया था सो दैट वर्ल्ड इकॉनमी को वापस, वापस से रिवाइव किया जा सके फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन किया जा सके अक्रॉस द ग्लोब लेकिन चूंकि आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक वेयर आउटकम ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एंड ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस वॉज मेनली कॉल्ड बाई द विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू कंट्रीज लाइक यू एस ब्रिटेन एंड फ्रांस तो जिस तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक दे आर कंडेम्ड फॉर इम्प्लिसिटली एक्टिंग इन फेवर ऑफ दीज कंट्रीज यू एस ब्रिटेन फ्रांस दीज आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक आर ऑल्सो कंडेम्ड फॉर एक्टिंग एज ए टूल इन देंड्स ऑफ कंट्रीज लाइक यू एस इन इंटरनेशनल रिलेशनस तो चूंकि यूएस का वोटिंग शेयर सबसे ज़्यादा है यूएस का वोटिंग शेयर 15 परसेंट से भी ज़्यादा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में और कोई भी फ़ैसला आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में लेने के लिए 85 परसेंट पॉजिटिव वोट होना चाहिए तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि यू के पास वीटो पावर है आई और वर्ल्ड बैंक में और यू इस तरीके से इनका इस्तेमाल करता है ताकि यू को ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हो सके इंटरनेशनल रिलेशनस में तो ये सब क्रिटिसिज्म है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कि दो दे आक्ट एज एन इंटरनेशनल या इंटरनेशनल या ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट दे आर एक्चुअली अ टूल इन देंड्स ऑफ यू एस एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज इन यूरोप तो इस कारण से ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में एक डिमांड तो चल ही रही थी कि गाइडेड बाई द आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन अमंगस द डेवलपिंग कंट्रीज वी मस्ट डेवलप ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म टू दीज आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक उसी कॉन्टेस्ट में इन द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इट सेल्फ एक काफ़ी वेल नोन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना जैसे देश ब्रिक कंट्रीज अगर ये चार कंट्रीज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ देन दे कैन बी द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी क्योंकि इन चार देशों के पास जनसंख्या ज़्यादा है और ये अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं यानी कि इनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है तो अगर ये इकोनॉमीज अपने आप में कोऑपरेट करें क्योंकि दे आर गोइंग टू बी द मेजर डिमांड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी और जो देश डिमांड क्रिएट करता है वही तो वर्ल्ड की इकोनॉमी को चलाता है इसी कारण से तो इंडिया के ऊपर इतना सारा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल जो कंपनियाँ हैं एम का क्योंकि इंडिया के अंदर हाई पॉपुलेशन है एंड मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा है जो धीरे धीरे जिसका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है यानी कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है कंजम्पशन का एंड दैट इज वाई ऑल द मेजर एम एन सीज ऑफ़ द वर्ल्ड आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ह्यूज पोटेंशियल ईयर तो इंडिया जैसा ही सिचुएशन थोड़ा बहुत चाइना में ब्राजील में रशिया में एंड दैट इज हाउ जेम ओ नील सजेस्टेड कि दीज फोर कंट्रीज इफ दे कोऑपरेट इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी दे कुड बिकम द डिमांड क्रिएटर फॉर ग्लोबल इकॉनमी एंड दैट इज हाउ दे कुड बिकम नर्व फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इफ दे कॉपरेट यह आइडिया ऑफकोर्स इंस्पायरिंग था और इस आइडिया से स्पायर होकर के फिर ब्रिक्स ग्रुप बनाया गया 2009 में आई एम सो सॉरी पहले 2009 में जो ग्रुप बनाया गया वो था ब्रिक कंट्री ब्रिक ब्राजील रसिया इंडिया चाइना यही सजेस्ट भी किया था जिम ओन ने एंड द फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड एट याका तरीन रसिया एंड फोर कंट्रीज ब्रिक ब्राजील रसिया इंडिया चाइना पार्टिसिपेटेड इन टू थाउजेंड समिट वॉज हेल्ड इन ब्राजील या ब्राजील जहां पर साउथ अफ्रीका ऑल्सो ज्वाइंट और इसके साथ ही ब्रिक बन गया ब्रिक्स ब्रिक्स जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं इट्स अनैक्रो एक्रोनिम फॉर दीज फाइव कंट्रीज टुगेदर ब्रिक्स लीडर समिट इज़ कन्वेंड ऑन एनुअली तो हर साल ब्रिक्स की लीडर समिट बुलाई जाती है सिंस 2009 तो 2023 में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है इट इज़ बीइंग विद बीइंग इट इज़ विद साउथ अफ्रीका इन 2022 इट वाज विद चाइना ब्रिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मेन मकसद ही था ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना ब्रिक्स इज क्रिएटेड बाई दर आइडिया ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेसन तो बेसिकली इट वॉन्ट्स टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन कंट्रीज लाइक यू एस एंड इट्स अलाइज इन वेस्टर्न यूरोप तो इसी आइडिया से गाइड होकर के जो 2014 में ब्रिक्स की सबमिट हुई दैट वाज सिक्सथ ब्रिक्स सबमिट दैट वॉज हेल्ड इन फर्टिलेजर इन ब्राज़ील वहाँ पे फर्टिलाइजर एग्रीमेंट साइन किया गया और जिसकी मदद से दो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कई ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं एंड कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट यू सी न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज़ क्रिएटेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक ताकि अगर हमें पैसों की जरूरत पड़े फॉर डेवलपमेंट पर्पज तो हमें वर्ल्ड बैंक ना जाना पड़े क्योंकि वर्ल्ड बैंक में जब हम जाते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमसे ऐसे कंडीशंस मनवा लेते हैं जिससे अमेरिका और उनके एलाइज़ को फ़ायदा मिले तो वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव हमने क्रिएट किया न्यू डेवलपमेंट बैंक और आई एम एफ ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया हमने कंटिनजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जिसको कंटिनजेंसी करेंसी पूल भी कहते हैं और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के अंदर हंड्रेड बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रीब्यूशन आया आउट ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर 41 बिलियन डॉलर फ्रॉम चाइना 5 फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड 18 बिलियन डॉलर ईच फ्रॉम ब्राजील रसिया एंड इंडिया ये 100 बिलियन डॉलर कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाए गए टू हेल्प कंट्रीज इन केस ऑफ बीओपी क्राइसिस एक्जैक्टली वही काम के लिए जिसके लिए आईएमएफ एम बनाया गया है तो कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट एंड ऑल्टनेटिव टू आई एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक इसमें फिफ्टी बिलियन डॉलर्स डाले गए टेन बिलियन डॉलर ईच फ्राम बेक्स कंट्रीज एंड दैट इज़ टू वर्ल्ड बैंक अगर ब्रिक्स की बात की जाए एक इस पर सिग्निफिकेंस देखा जाए कि कितना वो इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं तो दुनिया के बस पांच देश हैं बट दे होल्ड अबाउट 40 परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 25 परसेंट ऑफ ग्लोबल जी डी पी इनफैक्ट टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनमी आर इंडिया एंड चाइना पार्ट ऑफ ब्रिक्स ओनली ब्रिक्स का अगर प्राइम एजेंडा देखा जाए तो दो या तीन ही है ब्रिक्स का सबसे पहला एजेंडा है जियो पोलिटिकल कोऑपरेशन साउथ साउथ कोऑपरेशन या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन ताकि एक्सेसिव एक्सेसिव वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर को एड्रेस किया जा सके चैलेंज किया जा सके वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर में जिसकी हेजबनी है वो है यूएस तो जियो पोलिटिकल कॉपरेशन इज द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ब्रिक्स दूसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो मैंने आपको बता ही दिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव बनाना आईएमएफ एम हमने बनाया कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और वर्ल्ड बैंक का हमने बनाया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक उसके अलावा हाल फिलहाल में ब्रिक्स के अंदर एक बातचीत चल रही है बनाने की ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम हुआ क्या कि रसिया यूक्रेन वॉर जब की जब शुरुआत हुई उसके बाद एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल पेमेंट पर्पसेस के लिए अब देखो देश के अंदर पेमेंट करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना है तो वो आरबीआई के सर्विलेंस में हो सकता है लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट करना है तो वहाँ तो आर का सर्वेलेंस चलेगा नहीं तो वहाँ के लिए एक स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है जो सपोर्ट करता है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एंड स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाई वेस्ट कंट्रीज़ और उसका क्वार्टर आई थिंक बेल्जियम में है तो स्विफ्ट को बैन कर दिया गया फॉर रसिया आई मीन स्विफ्ट रसिया के यूज़ के लिए बैन कर दिया गया तो जिस कारण से रसिया के कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा तो स्विफ़्ट बैन के बाद फॉर रसिया दुनिया भर के सारे देश इस बात को समझ गए हैं कि यूएस कैसे इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है कल होकर के अगर इंडिया के भी कुछ टेंशनस हो गई यूएस के साथ स्विफ्ट बैन कर दिया उन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया को तो फिर इंडिया के भी ऐसी ही हालत हो सकती है तो दीज़ आर टूल्स दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बींग यूज बाई यू इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक आई एम एफ वर्ल्ड बैंक एंड नाउ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम दैट इज हाउ आफ्टर दिस रसिया यूक्रेन वॉर एंड बैन ओवर रशिया टू यूज स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम एक प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेशन डेवलप हो रहा है वे आर ब्रिक्स कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू हैव देयर ओन ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम इकनॉमिक्स क्लास में मैं पढ़ाता ही हूँ आपको याद होगा ब्रिक्स कंट्रीज आर ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग देयर ओन सोवरेन रेटिंग सिस्टम क्योंकि जो सोवरेन रेटिंग एजेंसीज़ हैं अभी जो पॉपुलर सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं मूडी एस एंड पी फिच दीज एजेंसीज बीन फेसिंग एलिगेशंस ऑफ एक्टिंग इन अ बाइस्ड मैनर इन फेवर ऑफ वेस्ट कंट्रीज तो इस कारण से स्विफ्ट आ, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो अपना खुद का सोवरेन रेटिंग एजेंसी भी डेवलप करना चाहते हैं लेकिन ब्रिक्स में कई सारे चैलेंजेज़ भी हैं सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना फैक्टर चाइना देखो ब्रिक्स को एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया गया लेकिन चाइना ऑफ कोर्स इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेटिक अप्रोच तो वो एटीट्यूड चाइना का दिख जाता है ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे भी चाइना का हमने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनाया ये चाइना कीप्स ऑन सम मिलिट्री असर्टिवनेस और अग्रेसन यू सी साइनो इंडिया क्लास इन गलवान वैली इन ट्वेंटी चाइना इज़ पुशिंग फॉर अ कॉमन करेंसी टू बी यूज बाई ब्रिक्स कंट्री। चाइना कह रहा है कि यार डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं ट्रेड के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोई दूसरी करेंसी का इनडायरेक्टली जानता है चाइना कि अगर डॉलर का इस्तेमाल हमने छोड़ा तो कौन सा करेंसी का इस्तेमाल होगा यूआन का सो चाइना इज़ पुसिंग फॉर अ कामन करेंसी अमंगस्ट ब्रिक्स एंड इनडायरेक्टली इट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट यूआन अमंगस्ट ब्रिक्स कंट्रीज़ चाइना जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक पर कम फोकस कर रहा है ज़्यादा फोकस कर रहा है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पर ए पे ए आई आई बी पे विच इज मेनली फ्लोटेड बाई चाइना मेनली बैक्ड बाई चाइना सो बेसिकली चाइना डज नॉट वॉन्ट टू हैव अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर यू एस इंफ्लुएंस चाइना वॉन्ट्स टू हैव अ चाइना बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर यू एस इन्फ्लूएंस देर इज अज ट्रेड इम्बेलेंस ऑफ अदर कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू चाइना ऑल्सो दैट इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न एज फार अ चाइना फैक्टर इज कंसर्न उसके अलावा ब्रिक्स ग्रुप हमने बना तो दिया है लेकिन रसिया और चाइना के बीच में स्पेशल कॉन्सोलिटेशन चल रहा है ने ब्रिक्स ग्रुप बना दिया है फिर भी रशिया और चाइना और खासकर रसिया यूक्रेन वॉर के बाद से रसिया एंड चाइना सीमेंटिंग देयर टाइज नेगलेक्टिंग देयर रिलेशन विद अदर ब्रिक्स कंट्रीज एंड ब्रिक्स हैज टाइम एंड अगेन सोन डिप्लोमैटिक बैक्रप्सी ऑल्सो डिप्लोमैटिक बैक्रप्सी से हमारा मतलब है कि वेर द कंट्रीज हैव नॉट सपोर्टेड ईच अदर ऑन मैनी डिप्लोमैटिक फ्रंट फॉर एग्जाम्पल मैनी टाइम्स चाइना एंड रसिया देम सेल्फ हैव ऑबस्ट्रक्टेड एनी प्रपोजल ऑफ यू एन एस से रिफॉर्म्स ब्रॉट बाई कंट्रीज लाइक ब्राजील इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हम लोग जब भी यू एन एस ए रिफॉर्म्स की बात करते हैं यही लोग रोक देते हैं उसको जबकि वी आर अ पार्टनर आट ब्रिक्स प्लेटफॉर्म सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोमेटिक बैंक्रप्सी फिर भी ये जो आर्टिकल है द ब्रिक्स पैराडॉक्स क्यों है ये पैराडॉक्स क्योंकि ब्रिक्स के अंदर इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी रिसेंटली एटलीस्ट नाइनटीन कंट्रीज हैव अप्लाइड टू गेट मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स दिस इज़ पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स पैराडॉक्स इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वन साइड वी आर सींग ब्रिक्स इज फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस येट ऑन द अदर साइड वी सी कि देर आर सो मेनी कंट्रीज़ हुर विलिंग टू ज्वाइन ब्रिक्स ये जो अलग अलग कंट्रीज ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं इसके पीछे चाइना का एम्बिशन जो है वो ज़्यादा सिग्नीफिकेंट है ज़्यादा जा, बड़ा कारण है चाइना का जो एस्पिरीसन है टू हैड अ ग्रुप विच इज़ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़ देखिए क्यों इतने सारे देश अप्लाई कर रहे हैं ब्रिक्स की मेम्बरशिप क्योंकि चाइना उनको इंस्पायर कर रहा है टू ज्वाइन ब्रिक्स एंड हैव मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंटल लोन्स एंड इट ऑल और चाइना क्यों इस इतने सारे कंट्रीज़ को इंस्पायर कर रहा है ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स प्लेटफॉर्म क्योंकि इस तरीके से चाइना क्व गेट एन एडवांटेज बाई expanding इट्स influence ओवर मोर एंड मोर कंट्रीज तो चाइना चाह रहा है कि ब्रिक्स में और भी सारे देश जुड़ जाएं और ब्रिक्स के अंदर वैसे भी चाइना डोमिनेट करता ही है और उस तरीके से ज़्यादा देश जब जुड़ जाएंगे तो वो इंडिया का इन्फ्लुएंस को और काउंटर कर पाएंगे एंड दैट विल हेल्प चाइना टू बिकम मोर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल और दूसरा क्यों इतने सारे देश ज्वाइन करना चाह रहे हैं ब्रिक्स प्लेटफॉर्म क्यों क्यों बिकॉज ऑफ प्रीवेलिंग एंटी वेस्टर्न सेंटीमेंट मैंने आपको कहा ना कि जैसे ही स्विफ्ट बैन लगाया गया रसिया के ऊपर एंटी वेस्ट सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि कैसे ये सारे देश वेस्टर्न कंट्रीज़ इन्होंने स्टार्टिंग में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना दिए और अब कैसे उसका उस वो लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल इन इंटरनेशनल रेशन ये देख करके कई सारे देशों के अंदर एक एंटी वेस्टर्न सेंटीमेंट स्ट्रोंग हो रहा है और वही नतीजा है कि मैनी कंट्रीज़ हैव अप्लाइड फॉर ज्वाइनिंग ब्रिक्स एज अ अम्बर कंट्री कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि द इगरनेस टू ज्वाइन ब्रिक्स कंट्री ब्रिक्स बाय 19 कंट्रीज री अफर्म्स दैट द फैक्ट कि दिस ग्रुप हैज़ स्टिल अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज टू ऑफर इन द फॉर्मेट ऑफ जियो एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स एज वेल इस टॉपिक के बेसिस पर यह फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है और ये मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है ब्रिक्स ऑफर्स वास्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ कोऑपरेशन बट देयर रिमेन्स सम कंसर्न एंड ई दैट मस्ट बी एड्रेस्ड ये बातें वहीं लिख करके दी हैं जो मैंने आपको पहले बताया है बस दो पेज में लिख करके दे दिया है ताकि जब कंटेंट इनरिचमेंट वाला मटेरियल आपके पास पहुँचे तो ये शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई मिल जाएं आपको और आप आराम से रिवाइज कर पाएं पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स दिस इज नेक्स्ट टॉपिक पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे छोटा सा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी मज़ेदार और अच्छा आर्टिकल लगा इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे इसका इस्तेमाल करा जा सकता है ऐसे में और एथिक्स राइटिंग में देखिए न्यूज़ क्या है ये दो माउंटेनियर हैं पसांग दावा शेरपा एंड कामी रीता शेरपा नाम रट लेंगे तो अच्छा रहेगा एस ए की शुरुआत में काम आ सकता है पसांग दावा शेरपा पी एंड कामी रीता शेरपा के आर एस दे आर माउंटीनियर्स गाइड्स एंड ऑल और मज़े की बात यह है कि ये अपने करियर के समझिए लास्ट लेग में एज हो चल चली है इनकी पसांग दवा शेरपाइस फोटी सिक्स ईयर ओल्ड कामी रीता शेरपाइस फिफ्टी थ्री ईयर ओल्ड अब ये लोग एक तरीके के कंपटीशन में लगे हैं कि कौन माउंट एवरेस्ट को कितनी ज़्यादा बार चढ़ाई करता है एक बार रिकॉर्ड इनके नाम बनता है कि छब्बीसवीं बार इन्होंने चढ़ाई कर ली माउंट एवरेस्ट की तब तक एक सप्ताह बाद ये तोड़ देते हैं उसका रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल यू सी फोर्टीथ मे को पसांग ने पसांग टाइड कामीज रिकॉर्ड एंड क्लाइंड माउंट एवरेस्ट फॉर दिक्कस ट्वेंटी सिक्स टाइम द नेक्स्ट डे इट सेल्फ कामी अगेन और कामी का स्कोर हो गया ट्वेंटी सेवन फिर कामी ने एक बार और क्लाइम कर लिया तो कामी का स्कोर हो गया ट्वेंटी एट राइट तो इस तरीके से कामी और पसांग दवा शेरपा में एक कॉम्पिटीसन चल रहा है कि कौन माउंट एवरेस्ट को कितनी बार चढ़ाई करेगा क्लाइंब करेगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना मजाक नहीं है इसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है यू सी इन दिस पर्टिकुलर सीजन अलोन अबाउट एलेवन पीपल हैव डाइड सो फार वाई ट्राइंग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं ये बार 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 माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना क्यों चाह रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन कई सारे लोग अलग अलग तरीके से देंगे कुछ लोग कहेंगे कि रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं क्योंकि कई सारे माउंटेनियर एसोसिएशन और कंपनी जो हैं रिवार्ड देती हैं रिकॉर्ड होल्डर्स को कुछ लोग कहेंगे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ईगो कि भाई मेरा रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया तो मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा लेकिन जो लोग रियल स्पोर्ट्स पर्सन हैं अगर आप उनकी माने और उनसे आप बात करें कि क्यों एक इंसान रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करता है क्यों एक इंसान नए नए रिकॉर्ड्स को बनाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे मुख्य कारण ईगो नहीं है उसके पीछे मुख्य कारण कोई पैसे का लालच नहीं है उसके पीछे मुख्य कारण है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है एक ह्यूमन की हाइएस्ट पॉसिबिलिटी को अटेन करना चाहता है इस बात को ध्यान से समझिएगा हम लोग का क्या लाइफ है इन जनरल हम लोग थोड़ा सा दौड़ लेते हैं तो थक जाते हैं हम लोग इन जनरल में बता रहा हूँ वैसे इंसान को फिट रहना चाहिए काफ़ी हद तक मैं भी कोशिश करता हूँ पर्सनल लाइफ में फ़िटनेस बनाए रखने की लेकिन हम लोग का कैसा है हमने अगर हम एक नॉर्मल लोगों को देख करके के इंसान के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए तो पता चले है कि इंसान की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं हम इतना चल नहीं सकते इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते बट वाट इज़ स्पोर्ट्स पर्सन डज बिकॉज ऑफ डेली प्रैक्टिस ए स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रेचिज देयर पॉसिबिलिटीज देयर पोटेंशियल एंड दैट इज़ हाउ स्पोर्ट्स पर्सन होना इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट कि इंसान चाहे तो वो क्या क्या नहीं कर सकता है क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता है अचीव इन नॉट इन मटेरियल सेंस अचीव इन द पॉसिबिलिटीज़ दैट ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड होल्डस विथ इट सेल्फ इफ ह्यूमन डज दैट एक्सन ऑन डेली बेसिस विथ अ लॉट ऑफ इंथ्यूजियाजम स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना होगा रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी अच्छा डिसिप्लिन और प्रैक्टिस के लिए आपके अंदर बहुत सारा इंथ्यूजियाजम होना चाहिए उस काम को करने के लिए सो वेन वी ट्राई हार्ड एंड वी स्ट्रेच आर पॉसिबिलिटीज देन वी आर सेल्फ आर सरप्राइज बाई आर ओन पोटेंशियल जब आप खूब मेहनत करते हैं दो महीने तीन महीने चार महीने मन मार के मेहनत करते हैं करते 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 आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है एंड यू योर सेल्फ गेट सरप्राइज बाई योर ओन पोटेंशियल की यार मैं कितना काम कर सकता हूँ अब इसका इस्तेमाल कैसे करें केस स्टडीज़ में या आंसर राइटिंग में वो ज़रा समझिए यू ने इस पर सवाल पूछे हैं एथिक्स में के स्टडी में भी पूछा है और क्वेश्चन फॉर्मेट में भी पूछा है ऐसे में भी इनका नाम मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में किसी कहानी में आप बता सकते हैं समझिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है एक जो केस स्टडी आया था वो आया था कि चीटिंग इन स्पोर्ट्स या डोपिंग करना कितना सही है क्या खेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी है कि हम जीतें चाहे कैसे भी जीतें या इज़ विनिंग द ओनली गोल ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स और वहाँ पे आप उसको रिजेक्ट करना है कि नो विनिंग इज नॉट द गोल फॉरगेट अबाउट द ओनली गोल पर इट इज़ नॉट द गोल एट ऑल ऑफ स्पोर्ट्स द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स इज नॉट विनिंग बट टू स्ट्रेच ह्यूमन पॉसिबिलिटीज एंड मैनिफेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट आप लोगों को काम करते हुए देख करके स्पोर्ट्स पर्सन को देख करके उसैन बोल्ट को देख करके आप बोले कि अच्छा इंसान तो चीते की तरह दौड़ सकता है यार और ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन स्पिरिट पावरफुल ह्यूमन स्पिरिट द नेक्स्ट आर्ट इज़ अबाउट परख दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर मार्सलेबाजर जी जी एस पेपर टू गवर्वनेस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम एजुकेशन सेगमेंट देखिए परख को सरल भाषा में समझ लीजिए हमारे देश के अंदर कितने सारे स्टेट बोर्ड हैं सेंट्रल लेवल पे भी कई अलग अलग बोर्ड हैं एग्जाम कंडक्ट कराने वाली इस कारण से जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसी कारण से किसी बोर्ड में आराम से नाइन्टी परसेंट भी मार्क्स आ जाते हैं किसी बोर्ड में लोगों को 60 लाने में भी तकलीफ होती है तो so, सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम कराने के तरीके में मार्किंग पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी आए इसके लिए भारत सरकार ने प्रपोज़ किया है परख इंस्टीट्यूट को परख विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन सी आर टी एंड इट हैज़ बिन प्रपोज्ड अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन स्पेशली एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम कराने के तरीके और मार्किंग के तरीके में यूनिफॉर्मिटी आई इसके लिए परख को, को प्रपोज किया गया है अभी परख को प्रपोज किया गया था अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी करेंट न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन हैज़ ऑर्गनाइज ए वर्कशॉप रिसेंटली विथ एम ऑफ यूनिफाइंग अबाउट 60 एग्जामिनेशन बोर्ड अलग अलग देश के 60 बोर्ड्स को यूनिफाई करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी सिर्फ एक वर्कशॉप है वर्कशॉप का मतलब कि वहाँ पर इस बात पर चर्चा होगी फोकस किया जाए कैसे ये साठ अलग अलग देश के एग्जामिनेशन बोर्ड को यूनिफाई किया जा सके तो आप कह सकते हैं कि दिस करेंट वर्कशॉप कॉल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ स्टलिशिंग परक इस टॉपिक के बेसिस पे प्रम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन देश इज अबाउट सेन गोल दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस प्रिलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आपने फिल्मों में देखा होगा राजा महाराजा लोग किस तरीके का सेप्टा हाथ में लेकर के घूमते हैं सेप्टा मतलब वो साइन होता है कि यहाँ के सोवरेन या राजा आप हैं तो हिस्टोरिकल सेप्टा फ्रॉम तमिलनाडु जिसका नाम है सेंगोल इस तरीके का देखिए पुराने ज़माने में अलग, अलग अलग राजा महाराजा लोग ये लेकर के घूमते थे तमिलनाडु के अंदर ये कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जब वहाँ के चोला किंगडम्स रूल करते थे चोला किंग्स रूल करते थे एक राजा से दूसरा राजा को जब नियुक्त किया जाता था जब ट्रांजिशन ऑफ पावर होता था तो इस तरीके का सेप्टा सेप्टा कहते हैं इसको सेप्टर हिस्टोरिकल सेप्टर राजा दूसरे राजा को दिया करते थे ठीक है अभी जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो सी राजा गोपालाचारी साहब ने सजेस्ट किया कि क्यों ना वो ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए और ब्रिटिशर्स जो है इस तरीके का सेप्टा हमें हैंड ओवर करें दैट वुड बी अ सिंबॉलिक ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडिया और फिर हुआ क्या 14 अगस्त 1947 को वाइसराय द देन वाइसराय लॉर्ड माउंट बैटन ही हैंडेड ओवर अ फाइव फीट सेप्टा इस तरीके का फाइव फीट लॉन्ग सेप्टा टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी और इस तरीके से दैट वॉज सिंबल ऑफ ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडिया वो जो सेप्टा सेप्टा तो एक जनरल वर्ड है ना जी तो सेप्टा जो ट्रांसफर किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उस सेप्टा का नाम दिया गया था सेनगोल। सेनगोल जो है वो तमिल टेक्स्ट से लिया गया है वर्ड जो कम तमिल वर्ड सेमनाई से मिल सेमाई से मिलता जुलता है विच मीन्स राइटियसनेस या जस्टिस तो बेसिकली एक इस तरीके का सेप्टा हैंड ओवर किया ब्रिटिशर्स ने जवाहरलाल नेहरू को और इसका नाम दिया गया सेनगोल जो तमिल में जिसका मतलब होता है जस्टिस अभी न्यूज़ ये निकल करके आ रही है ये जो सेनगोल दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया को इंडिया के पहले प्रधानमंत्री को टू मैनिफेस्ट ट्रांजिशन ऑफ पावर ये सेनगोल को लोकसभा के अंदर प्लेस किया जाएगा अलोंग विथ द सीट ऑफ द स्पीकर जब नई लोकसभा की बिल्डिंग का इनोग्रेशन होगा 28 तारीख को तब ये जो सेप्टा दिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इट वाज अ फाइव फीट इन लेड ए नंदी लॉर्ड सीवा सैक्रेड बुल ऑन द टॉप सिव सिंबलाइजिंग जस्टिस कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होगा सीएम ट्रांस टू कनेक्ट डी फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दॉल्व फ्रॉम